नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस और खबर हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से। कहते हैं अपराधी लाख कोशिश कर ले, लेकिन कानून से ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। नालागढ़ पुलिस ने ऐसा ही उदाहरण पेश करते हुए 16 लाख की ठगी के मामले में पूरे 6 महीने बाद 2 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इतना ही नहीं, आरोपियों से ठगी की रकम भी बरामद कर ली गई है। ADSP नालागढ़ अंकित शर्मा ने बताया कि नालागढ़ पुलिस ने 22 अप्रैल 2019 को ठगी का एक मामला दर्ज किया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके साथ ऑनलाइन बीमा के नवीनीकरण के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी की गई है। इस आया था हमारे पास ये मार्च अप्रैल के महीने में यहाँ पे आया था, और हरिदास कौर जी जो यहाँ की राजपुरा की निवासी है, उन्होंने ये जो है हमारे पास FIR करवाई थी। और इनसे इन्होंने कम से कम जो फ्रॉड करने वाले हैं, पॉलिसी बेचकर, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचकर, उनसे उसकी अर्ली मेचोरिटी का झांसा देके इनको कम से कम 18 लाख रुपए ऐसी जो है फ्रॉड में इनसे वसूल लिए थे। और फिर हमने अपनी टीम तैयार करी, हमारे साइबर टीम के जो इंचार्ज है मिस्टर अमित कुमार जी, अमित ठाकुर जी, उनके साथ और उनके दो और जो लोग थे, हम सारों ने अपनी टीम गैदर करी, इनपुट्स लिए, और उसके बाद फिर हमने दो अक्यूज को इस मामले में अरेस्ट किया। सर, ये दो लड़के हैं और दोनों भाई हैं, जो मेन जो हेड है उनको हमने जो है गिरफ्तार कर लिया। सर, कहां से किए इनको? ये नोएडा से हमने पकड़े थे। सर, तो सर इनके पास से अभी कुछ बरामदगी कुछ और? हमें काफी सारी लीड्स मिल गई हैं और इसकी रिकवरी भी बहुत जल्दी करने वाले हैं, और विद इन 1-2 दिनों में रिकवरी भी कर लेंगे। ADSP ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप दो मास्टरमाइंड आरोपियों विनोद कुमार और विपुल कुमार को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी नोएडा में कॉल सेंटर चला रहे थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब अन्य मामलों के खुलासों की संभावना भी जाग उठी है। आपको हमारे प्रयास कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन को दबाए ताकि हमारी लेटेस्ट खबरें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके साथ ही लेटेस्ट ऑनलाइन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट में जाए, क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस।